हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है जरासंध। अब हमारे सामने बेटा एक नया और करेक्टर आया है जरासंध। आज हम इस चैप्टर में इन जरासंध के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन थे, किस प्रकार इन्होंने महाभारत के युद्ध में इनका क्या योगदान रहा, कौन थे, किसका साथ दिया, वो सारा इस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए अब हम इसकी रीडिंग लगाते हैं। चलिए बेटा चैप्टर 13 जरासंध रीडिंग करते हैं हम इसकी। एक नया करेक्टर महाभारत की बुक में हमारे सामने आ रहा है, एक व्यक्ति है जरासंध। देखिए क्या रोल है उसका उसमें उसका महाभारत में। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि पांडवों ने जो जो खांडव प्रस्थ नगरी उनको मिली थी उसको रिन्यू करके, उसको नया बनाकर, उसमें अच्छी तरह से भवनों का, दुर्गों का निर्माण करवा के अच्छी तरह उस खांडव प्रस्थ का नाम जो है क्या रख लिया था, इंद्रप्रस्थ रख लिया था। और वहाँ पर जो है वो अपने प्रजा का पालन जो है अच्छी तरह से कर रहे थे। युधिष्ठर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि, युधिष्ठर कौन थे, पांडवों में सबसे बड़े थे, तो युधिष्ठर के भाइयों तथा युधिष्ठर के साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। अब क्या होता है बेटा, जैसे राजा बनते हैं जब, तो उस राज्य के बड़े बड़े लोग, आचार्य और गुरु सब मिलकर उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं और वो राजा बन जाता है, सिंहासन संभाल लेता है। लेकिन सिंहासन राजगद्दी लेने के बाद और बड़ी पदवी लेने के लिए एक यज्ञ करना पड़ता है। उस यज्ञ के सफल होने के बाद वो राजा जो है सम्राट की उपाधि प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने ये राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करने की इच्छा जो है जाहिर की। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। अब कौन कर सकता था बेटा ये राजसूय यज्ञ, कौन कर सकता था कि जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य, नरेश कौन होते हैं, राजा, कि जो इस संसार के जो जितने भी राजा है उनका पूज्य हो, यानी कि एक राजा जिसको सभी राजा पूजते हो वही जो है राजसूय यज्ञ को कर सकता था और उन्हीं राजाओं के द्वारा वो सम्मानित भी हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। अब ये युधिष्ठर जो है कृष्ण से बात कर रहे थे, ठीक है। युधिष्ठर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है, सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या था, एक ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जरासंध, ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। इसने उस समय सारे राष्ट्र के राजाओं को हरा लिया था, जीत लिया था और सभी जो है इस जरासंध से डरते थे और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर मतलब कि जरासंध के बाद एक शक्तिशाली राजाओं के नाम आते हैं बहुत सारे, तो एक शिशुपाल नाम का भी एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था कि कृष्ण ने ये बताया कि जो शिशुपाल है वो इतना शक्तिशाली होते हुए भी जरासंध की अधीनता स्वीकार करके उसके पास रह रहा है और सभी उससे जो है डरते हैं।
अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है बेटा कि जरासंध ने सभी राजाओं को जीत रखा है, तो अगर युधिष्ठिर जरासंध को जीतते हैं तो वो सम्राट पद के नाम से सुशोभित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़े पर आखिर हार गए। अब ये कृष्ण भी बता रहा है कि हम भी लड़े थे और हम भी जरासंध से हार गए थे। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्यधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति भी न हो, फिर भी जरासंध ने इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदीगृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया कि उसने बहुत सारे राजाओं को हराकर जो है एक बंदीगृह में बंद करके रखा हुआ है, तो पहले आप उससे युद्ध करके उन राजाओं को छुड़ाइए। मतलब पहले युद्ध नहीं करना, पहले उन जो बंदी राजा बने हुए हैं उनको छुड़ाइए, तभी तो आप उनके प्रशंसक बनेंगे, तभी तो वो आपको पसंद करेंगे कि आप आपके जितने राजा जितने ज्यादा प्रशंसक राजा होंगे आपके, तभी आप जो है अब यहाँ पर क्या बताया था कि जो सभी नरेशों का पूज्य हो, कि सारे राजाओं जितने भी राजा है वो किसी एक राजा को मानता हो पूजता हो, तो वही जो है राजसूय यज्ञ कर सकता है। जब आप उन राजाओं को छुड़वाओगे, जो बंदी बने हुए हैं जरासंध के पास राजा, उनको छुड़वा लोगे तो आप उनके लिए प्रशंसा के योग्य बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे और आपका मत वहां बढ़ जाएगा, तो आप जो है राजसूय यज्ञ भी कर सकोगे। श्री कृष्ण ने ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। आकांक्षा कैसी आग है जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्यधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। अब जो युधिष्ठिर था उसको ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि भाई ये काम करना तो बड़ा मुश्किल है, तो उसने कहा कि मैं ये सभी चीजें जो है छोड़ दूं और जितना है मेरे पास उसी में संतुष्ट रहूं, तो मैं बाकी ये जो राजसूय यज्ञ करके जो सम्राट पद पाने की जो मेरे भाइयों की और मेरे साथियों की इच्छा है, तो ये मेरे को इतने सारे समस्याएं सुनकर जो है ये अब उसका युधिष्ठिर का मन नहीं हो रहा कि वो राजसूय यज्ञ करे। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। अब जो भीम था वो तो हमेशा ही जीतना चाहता था, तो उसने ये कहा कि श्री कृष्ण भी है जो नीति में कुशल है, और जो मैं हूँ, मैं कौन है यहाँ पर, भीम है, कि मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य, अर्जुन जो है एक बहुत बड़े धनुर्धारी थे, कि इतनी बड़ी 3 शक्तियां मिल जाएंगी तो हम ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। ये बात किसने कही, सारी भीम ने कही। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे, आप इस बात की शंका न करें। अब वो भीम जो है युधिष्ठिर को समझा रहा है कि अगर हम तीनों मिल गए तो हम जो है जरासंध को आराम से हरा देंगे, आप इस बात की चिंता छोड़ दें कि हम खुद हार जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर
उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। अब वो युधिष्ठिर जो था वो ये कह रहा था कि इस काम में तो बहुत ही ज़्यादा जो है विपत्तियाँ आने वाली है, किसी की जान भी जा सकती है। तो वो ये कह रहा था अगर ऐसा कार्य जिसमें जान जाने की तक की बात हो तो उस काम को हमें छोड़ देना ही चाहिए। ये किसके विचार थे? युधिष्ठिर के। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भारतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। अब यहाँ पर कौन बोला? अर्जुन बोला, अगर हमारे पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, हमारे पास इतनी सारी विद्याएं हैं, अगर ऐसे शक्ति संपन्न होते हुए भी अगर हम कोई रिस्क ना ले, कोई कठिन काम ना करें तो हमें धिक्कार है अपने जीवन पर। ये किसने कहा था? अर्जुन ने। जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे? कि हमारे पास इतनी शक्तियां हैं फिर भी भाई युधिष्ठिर के मन में ये हो रहा है कि हम इस काम को यानी कि जरासंध को हराने के काम को हम जो है नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए, बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वक्कल पहन लिए। वक्कल क्या होते बेटा? छाल होती है एक तरह की। हाथ में कुशाली और व्रती लोगों का वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। अब व्रती कौन होता है? जो व्रत वगैरह ज्यादा करते ना, ब्राह्मण टाइप में, ऋषि टाइप में, इस तरह का उन्होंने अपना वेश बना लिया और वो जो है कहाँ के लिए रवाना हो गए? मगध देश के लिए, जहाँ पर जरासंध रहता था। जरासंध जो है मगध देश का राजा था। ठीक है, आगे देखिए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर ही बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा कर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जयसंत का नियम था। अब ये जो जरासंध था इसने एक नियम बना रखा था कि इसके यहाँ कोई भी ब्राह्मण इनके अतिथि के रूप में आता था तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता था, उसके जिस तरह वो चाहते थे उन्हीं का सत्कार उन्हीं की तरह करना जो है जरासंध ने अपना नियम बना रखा था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत
हो गया। अब वो जब उससे वेश बदल कर जो है वहां मगध देश में गए थे, वो वेश बदल कर गए थे, पर जरासंध को शक होने पर उसने पूछा, तो जो वो तीनों गए थे, भीम, अर्जुन और कृष्ण गए थे, उन्होंने उसको द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और भीम और उसमें जरासंध में युद्ध हुआ और भीम ने जरासंध को जो है मार गिराया। आगे देखिए, श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिसको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले गए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। युधिष्ठिर को यूं आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकाने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके, यानी कि उनसे प्रार्थना करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना, उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। कि ये जो जरासंध था बेटा, ये जो युधिष्ठिर जो सम्राट पद की पदवी नाम से विभूषित होना चाहते थे, उसमें एक समस्या बना हुआ था। तो पहले जरासंध को मारा और मतलब कि राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद जो है युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी जो है प्राप्त हो गई। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 13 मैंने रीडिंग लगा दिया है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।